एक तरफ जहां श्रद्धा हत्याकांड को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मथुरा से भी एक लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि राय थाना क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र के पास बीते शुक्रवार को दोपहर को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसमें बताया गया था कि इस लड़की को गोली मारकर बेरहमी से हत्या की गई है और उसके शरीर पर चोट के भी निशान हैं। वहीं इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बता दें कि बीते शुक्रवार को सुबह 11 बजे एक मजदूर ने पुलिस को सूचना दी थी कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक लावारिस ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रॉली बैग को खोलकर देखा तो उसमें एक लड़की की लाश थी और फिर इस लाश को कब्जे में लेकर पुलिस मृतिका की पहचान में जुट गई, जिसके बाद पुलिस के लगातार जारी छानबीन और कोशिशों के बाद पुलिस ने लाश की पहचान कर ली और पुलिस ने बताया कि इस लड़की का नाम आयुषी यादव है, जो कि मोड़बंद गांव बदरपुर नई दिल्ली की रहने वाली है और इसके पिता का नाम नितेश यादव है। वहीं मृत लड़की की पहचान के बाद पुलिस उसके घर भी पहुंची, जहां लड़की के परिवार वालों से लाश की पहचान कराई गई, जिस पर मां ने उस लड़की की लाश को अपनी बेटी आयुषी का बताया और फिर बाद में पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि आयुषी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पिता ने की है। बता दें कि पुलिस की पूछताछ के दौरान लड़की के पिता ने आरोप को स्वीकार करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी के चाल चलन से खुश नहीं थे और फिर परेशान होकर उसने 17 नवंबर को अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी लाश को एक ट्रॉली बैग में डालकर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।